ओके गूगल, लड़की को कैसे इंप्रेस करें? मुक्का मार के दतियां तोड़ दई तो का और कोनो काम नहीं है का? आई एम बैक। तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? जो आपके पास एंड्रॉइड फोन है, हो सकता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित ही ना हो और हैकर चुपके से आपको चूना लगाने के लिए उसकी चुम्मा ले जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चुम्मा तू मुझको उधार, सॉरी। अर्थात हो सकता है कि आपका एंड्रॉइड खतरे में हो और आपको पता भी ना हो। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको एक टेस्ट, प्लीज आप इस टेस्ट को कर लो और जानकारी ले लो कि आपका एंड्रॉइड सेफ है या नहीं। परंतु टेस्ट को करने से पहले आप ये जान लो कि ये काहे का टेस्ट है। भाई देखो, जब कोई कंपनी आपके फोन को बनाती है, जैसे सैमसंग, शाओमी, जब ये फोन को बनाती है तो ये वादा करती है कि हम आपके लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भेजेंगे, क्योंकि पूरी तरह जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है वो परफेक्ट नहीं होता, कुछ उसमें लूप होल्स होती हैं, कुछ बग्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कंपनी आपसे वादा करती है कि हम आपको समय समय पर वो सिक्योरिटी पैचेस भेजते रहेंगे, आप अपडेट कर लेना, जिससे आपके फ़ोन को सेफ रखा जा सके, पूरी तरह सेफ रहे। इन्हें सिक्योरिटी पैचेस कहते हैं। आपको अपडेट मिलते रहते होंगे, तो कभी आप उन्हें अपडेट करते हो, कभी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और है मेरे भाई, कि जो कंपनी वादा करती है कि हम आपको और पैचेस भेजेंगे और जिससे आपका फ़ोन सेफ हो जाए, लेकिन ये कंपनी झूठे नेताओं की तरह वादा करती हैं और ये उन पैचेस को भेजती ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, जर्मन सिक्योरिटी लैब के अनुसार उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने 1200 फोन कंपनी को चेक किया है और अधिकतर कंपनियों ने अपने सिक्योरिटी पैचेस जो क्लेम किए गए थे वो भेजे ही नहीं थे। और हम लोगों को तो पता चलता ही नहीं है, क्योंकि भैया जिंदगी में और भी गम है साहब हमारे स्मार्टफोन के अलावा। तो हम तो अपने मजे में जी रहे हैं, लेकिन हमें इन सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट मिलते ही नहीं है और हमें कुछ पता चलता भी नहीं है। लेकिन यदि आप चेक करना चाहते हो तो आपको चेक कर लेने चाहिए कि हमें सारे पैचेस मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप मिलेगी, स्नूप स्निच। जब आप गूगल प्ले स्टोर खोलोगे तो आपको बोलना होगा, नहीं यार आपको लिखना होगा, मजाक कर रहा हूँ, गूगल प्ले स्टोर में स्नूप स्निच लिखना होगा। तो वो जो ऐप आपको मिलेगा इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहाँ पर ओपन करते ही आपको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे इसमें जो ऑप्शन है वो रूटेड फोन के लिए होते हैं, लेकिन वो मत करना, आप सिर्फ अपने पैचेस को चेक कर लेना। जब आप स्टार्ट करोगे तो ये बता देगा कि कितने पैचेस आपके फोन में मिसिंग है, जो अपडेट होने चाहिए कंपनी ने बोल रखा है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके फोन में कुछ पैचेस मिसिंग हो। Xiaomi Redmi 5 पर ट्राई किया है जहां पर 5 पैचेस मिसिंग थे, बाय गॉड। और अगर आपके फोन में मान लो पैचेस मिसिंग मिलते हैं तो हो सकता है कि आपने फोन को आपने अपडेट नहीं किया हो, जो आपको पैचेस मिले हैं वो अपडेट नहीं किए हो। लेकिन यदि आपने अपडेट भी कर लिया है और तब भी आपके फोन में पैचेस मिसिंग है तो मेरी तरफ मत देखो भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने थोड़ी बनाया तुम्हारा फोन, क्या मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर दूं? मैं नहीं भाई, मेरे बस की नहीं है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो केवल आपके स्मार्टफोन मेकर, वही आपको पैच बना के देंगे, तभी आप अपडेट करना, तभी आप सेफ हो पाओगे। लेकिन आपको इतनी बात जरूर समझनी है कि अब आप ऐसे घर में रह रहे हो जिसमें दीवारें टूटी फूटी पड़ी है और कहीं से भी चोर घुस सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि कहां से दीवार टूट रही है। तो आपको ज्यादा सुरक्षा रखनी होगी, ऐसे ही आपको अपने फोन की सुरक्षा रखनी होगी कि आपको पता तो है नहीं कहां से बहकर घुसना है, कहां से कौन होना है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा सिक्योरिटी रखनी है, आपको गूगल प्ले स्टोर के बाहर से ऐप बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करनी है। दूसरी बात, जब गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल करो ना आप, तो भी बड़ा देख के उनको अजीब अजीब जो परमिशंस हैं जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो, जैसे देखा है ना लड़की की आवाज में बात करें, ऐसी बहुत सारी ऐप्स आपको मिल जाती हैं और वो परमिशंस मांगती हैं आपकी लाइव लोकेशन की, आपके कैमरे की, तो इस तरह की परमिशंस मांगती है जिन्हें आप आंख मीच के दे देते हो, ले जा भैया, ना भैया ऐसे मत किया करो, थोड़ा ध्यान से परमिशन देते वक्त ध्यान दो कि कौन कौन सी परमिशंस मांग रहा है, एक कैलकुलेटर को कैमरे की परमिशंस की क्या जरूरत है। तो इस तरह की चीजें आपको देखनी होंगी, गूगल प्ले स्टोर से बाहर की ऐप से बड़ी प्रोटेक्शन रखें, ये आपको देखना होगा। तो भैया सावधानी ही बचाव है, यही आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, वरना ऐसा हो जाएगा कि कुंडी नहीं खड़काएगा राजा, सीधा अंदर आएगा राजा। और मेरी बात या मुझसे मुलाकात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन की चुम्मा लेना, चुम्मा लेते ही वो नीला हो जाएगा और दिल की प्यारी प्यारी मीठी मीठी और कुछ मूचू बातों को कमेंट्स में जरूर कह देना। और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि यदि मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
भाई लड़कियां भी हद करती हैं। मेरे एग्जाम्स में ड्यूटी लगी हुई थी तो मैंने एक लड़की से कहा व्हाट इज योर नंबर, तो कहने लगी सॉरी मेरा तो बॉयफ्रेंड है मैं आपको अपना फोन नंबर नहीं दे सकती। मैंने कहा मेरी माँ अपना रोल नंबर बता दे इसमें भरना है, फोन नंबर नहीं दे सकती। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, हो अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा।